हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के लिए अपन को इंट्राडे में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जिसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे अपन को बहुत अच्छी ट्रेंडिंग देखने को मिलेगी, जिसके लिए अपन सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और उसके बाद 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में इंट्राडे के लिए लेवल्स देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो दोस्तों, अभी अपन है सेंसेक्स के वन डे के टाइम फ्रेम में, मतलब कि डेली टाइम फ्रेम में, और यहां पे अपन को देखने को मिला पिछले दो दिनों में एक बहुत अच्छी हमें डाउनफॉल मूवमेंट देखने को मिली और एक बहुत अच्छी हमें बेरिश कैंडल बनती हुई देखने को मिली है सेंसेक्स में। तो अब जो अपन को इमीडिएट सपोर्ट देखने को मिला सेंसेक्स में वो रहेगा ये लेवल, जो कि अराउंड 65,913 का लेवल। जब इस लेवल के नीचे हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिला तो यहाँ पे एक हमें डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिला और इसके ब्रेकआउट के बाद से अगर अपन कैलकुलेट करें तो एक बहुत अच्छी वन वे मूवमेंट 1600 पॉइंट्स के आसपास देखने को मिली है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है जो कि अपन को एक सपोर्ट की तरह काम करते हुए देखने को मिल सकता है सेंसेक्स में, और अगर इसके नीचे भी सस्टेन करेगा तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट ये वाला लेवल बनते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि 65,250 का लेवल। और अगर इसके नीचे भी जाता है तो फिर अपन को ये वाला लो स्विंग लो टेस्ट होते हुए देखने मिल सकते हैं, जो कि 64,700 के लेवल के आसपास का। तो ये हो गई सेंसेक्स से आने वाले दिनों में अपन को कहां सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल सकता है। अब चलिए देखते हैं इंट्राडे के लिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कि कल वीकली एक्सपायरी के लिए अपन को कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अब अपन आ गए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। सबसे पहले अपन बात करेंगे डाउन साइड की मूवमेंट अपन को कहां देखने को मिलेगी। डाउन साइड में अगर ये वाला लेवल ब्रेकडाउन करेगा, जो कि 66,130 का लेवल, तो एक हमें यहाँ से वापस से डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिसमें कि अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा 65,913 का लेवल, जिसको अभी अपन ने डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस की थी। और अगर इसके नीचे भी जाता है तो सीधे फिर अपन को जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है वो मिलेगा सीधे ये वाला लेवल, जो कि अराउंड 65,630 का लेवल। और अगर इसके नीचे भी जाता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट ये लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि 65,480 का। और जो अपन को फोर्थ टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 65,250 का लेवल, जिसको अपन ने अभी डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस की थी। और उसके बाद अपन को ये लेवल पे सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि 64,925 का। और अपना फाइनल टारगेट रहेगा ये लेवल, जो कि 64,700 का, जिसको अपन ने अभी डेली टाइम फ्रेम में डिस्कस किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउन साइड में। अगर 66,130 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है सेंसेक्स, तो अब चलिए देखते हैं अपसाइड की मूवमेंट अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। अपसाइड में अगर ये लेवल ब्रेकआउट करेगा, जो कि 66,375 का लेवल, तो एक हमें यहाँ से अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है सेंसेक्स में, जिसमें कि अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा पहले ये लेवल, जो कि 66,565 का लेवल। और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो सीधे फिर अपन को गैप फिलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि लेवल है अराउंड 66,736 के आसपास का लेवल। और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करेगा तो सीधे फिर अपन को पहले ये वाला लेवल रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, जो कि 66,873 का लेवल। और इसके ऊपर फिर अपन को यहाँ तक जाते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि 67,000 के आसपास का साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में। अगर 66,374 को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है सेंसेक्स, तो अगर सेंसेक्स इस रेंज में ट्रेड करे, जो कि ये वाला रेंज, तो यहाँ पर अगर अपन ट्रेड नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अपन को साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचे जहाँ अपन को कोई भी ट्रेंडिंग मूव देखने को ना मिले। और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, जो कि अपसाइड में 66,374 का लेवल अपसाइड में, और डाउन साइड में अगर ये वाला लेवल ब्रेकडाउन होता है, जो कि अराउंड 66,130 का लेवल, तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है, जिस तरह भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे सेंसेक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस से समझ में आएगा और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज़ के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, जहाँ हम इंट्राडे के लिए लेवल्स, ट्रेंडलाइंस और एजुकेशनल ट्रेड पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।